तो दोस्तों कैसे हो आप। आज हम कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर होते क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को कब वैच करते हैं, कब नहीं वैच करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जो लोगों में 380 और 415 वोल्ट या इससे अधिक के सर्किट में जो स्विचेस लगते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। जैसे जो आपकी कंप्रेसर है की जो मोटर है या ब्लोअर्स के मोटर है, उनको चलाने के लिए 415 वोल्ट की जो सप्लाई चाहिए ना, तो जब थ्री फेज सप्लाई जाती है उनको, तो इन सर्किट के बीच में जो स्विचेस लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम कॉन्टैक्टर बोलते हैं। जैसे ये है कॉन्टैक्टर लगा हुआ है आपका, तो इस कॉन्टैक्टर के जो पार्ट्स है, फिक्स जा होती है इसमें, मूवेबल जा होती है, एक्चुएटिंग रोड होती है लगी होती है, फ्लेक्सिबल शंट लगे होते हैं, इसके अलावा ब्लो आउट कॉइल लगी होती है। तो अब इसको बंद कैसे करना है, इसको बंद करेंगे, कॉन्टैक्टर को बंद करेंगे तभी सप्लाई आगे जाएगी। तो इसको बंद करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, क्योंकि हम वहाँ पर जाके हाथ से तो बंद करने से रहे, तो इसको चलाने के लिए एक कंट्रोल सर्किट लगा हुआ होता है, जो इसको इसका ऑन ऑफ होना, मतलब खुलना और बंद होना सुनिश्चित करता है। तो क्या होता है कि इसको बैटरी से सप्लाई मिलती है कॉइल को, ठीक है, कॉइल एनर्जाइज होती है, इसके एनर्जाइज होने पर जो एक्चुएटिंग रोड है वो मूव करती है, और जो मूवेबल जार है वो फिक्स जार के साथ जुड़ जाती है और सप्लाई आगे जाना स्टार्ट हो जाती है। तो चाहे वो कॉन्टैक्टर आपका कंप्रेसर का हो, चाहे किसी ब्लोअर का हो, उसमें क्या होता है, एक कंट्रोल सर्किट होता है जो कि पावर सर्किट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब इसका खुलना और बंद होना सुनिश्चित करता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्टैक्टर को वेच कब करते हैं। देखिए, अगर तो पावर सर्किट में कोई खराबी आती है, पावर सर्किट में खराबी क्या हो सकती है कि इसके जो थ्री फेज की सप्लाई में इसमें खराबी आ गई। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जैसे ब्लो आउट कॉइल है वो टूट जाती है, या फ्लेक्सिबल शंट टूट जाता है, या एक्चुएटिंग रोड टूट जाती है, तो अगर पावर सर्किट में कोई खराबी आएगी इस तरह की, तो हम उस कॉन्टैक्टर को वेच नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई खराबी आ गई है। मान लेते कि तार कोई वगैरह लूज है, ठीक है, काम से अलग हुई पड़ी है, तीनों टर्मिनल आने जाने वाली वो तारें खराब हैं, या एक्चुएटिंग रोड टूटी हुई है, तो इसको हम वेच नहीं कर सकते हैं। वेच नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अब वेच नहीं करें तो इसको हम काम से अलग कर देंगे, मतलब जो इससे संबंधित उपकरण है जिसका ये कॉन्टैक्टर होगा। जैसे ये मैं एग्जाम्पल लीजिए कि HCP-1 है, तो इसका कॉन्टैक्टर C101 है ये। अगर हम इसको वेच नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको जो ऑक्सिलरी है इससे रिलेटेड उसको काम से अलग कर देंगे। तो HCP-1 है तो HCP-1 को हम क्या कर देंगे, हम जो स्विच है उसकी पोजीशन बदल के 2 या 3 पर कर देंगे, ताकि 2 और 3 काम करते रहें, 1 काम से अलग हो गया। ऐसे ही अगर C105 है का कॉन्टैक्टर है, ये किसका कॉन्टैक्टर है, VMT-1 का ब्लोअर बग का, अगर वेज नहीं कर सकते तो उसको काम से अलग कर देंगे, पावर सर्किट में खराबी है, तो उसको HVMT-1 को हम 0 पर कर देंगे। तो यही है कि अगर पावर सर्किट में कोई खराबी आती है तो हम उस कॉन्टैक्टर को वेच नहीं कर सकते हैं, तो उस उपकरण को हम काम से अलग कर देंगे। अब वेच करना कब है, अगर कंट्रोल सर्किट में खराबी आती है, इस पोर्शन में अगर कंट्रोल सर्किट में खराबी आती है, अब कंट्रोल सर्किट में खराबी है मतलब अब हम इसको चलाने से रहे, अब हम ना इसको खोल सकते हैं ना इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म ही अगर खराब हो जाए तब क्या करेंगे। तो अब हम इसको वेच करेंगे, मतलब इसको परमानेंटली हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, हम इसको वेच कर देंगे। तो कंट्रोल सर्किट में खराबी कैसी हो सकती है, जैसे हो सकता है कि जो कॉइल है ये जल गई है, अब ये कॉइल जल गई है तो इसका कोई काम ही नहीं रहा, अब ये एनर्जाइज नहीं होगी, कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी, तो अब ये एक्चुएटिंग रोड मूव नहीं करेगी और कंडक्टर बंद नहीं होंगे। हो सकता है कि जो कॉइल है वो उसमें कोई कट पैदा हो गया हो, या कंट्रोल सर्किट है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अब किसी कॉन्टैक्टर का जो कंट्रोल सर्किट है उसमें मान लेते हैं हम कोई खराबी आ गई। हाँ, आपने सब कुछ चेक कर लिया, ठीक है, सब कुछ सही ऊपर सही है, फिर भी कॉइल एनर्जाइज नहीं हो रही, कंट्रोल सर्किट में अगर कोई खराबी आ जाती है, मतलब सब कुछ सही पाए जाने पर फिर भी कॉइल अगर एनर्जाइज नहीं हो रही है, तो उस केस में हमको कॉन्टैक्टर को वेच करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है आपका कि कॉन्टैक्टर को कब वेच करते हैं, कब नहीं। अगर कंट्रोल सर्किट में खराबी है तो वेच करेंगे, पावर सर्किट में खराबी है तो कॉन्टैक्टर को वेच नहीं करेंगे, उस ऑक्सिलरी को काम से अलग कर देंगे।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।